फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलिप लार्किन की एक छोटी सी पोयम के बारे में जिसका नाम है वॉन्ट्स। ये पोयम 1951 में पहली बार पब्लिश की गई थी, लेकिन दोबारा इसे लार्किन की कलेक्शन द लेस डिसीव्ड में 1955 में पब्लिश किया गया था। पोयम काफ़ी छोटी है, केवल 10 लाइंस की है और 2 स्टैंजाज में बांटी गई है। हर स्टैंजा में 5 लाइंस हैं। साथ ही इस पोयम में ना ही कोई राइमिंग स्कीम है और ना ही ये किसी मीटर को फॉलो करती है। अब अगर बात करें इस पोयम की थीम की, तो वो है ह्यूमन नीड फॉर सेक्लूजन वर्सेस द इंस्टिंक्ट टू बी सोशल। फ्रेंड्स, वॉन्ट्स का मतलब होता है ज़रूरत, यानी हमारी ज़रूरतें क्या है। आपने हमेशा से सुना होगा कि ह्यूमन बीइंग को एक सोशल एनिमल माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के जो फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ मिलकर एक सोसाइटी में एक कनेक्शन के साथ रहता है। लेकिन ये कनेक्शन हमारे लिए हमेशा ज़रूरी नहीं होती है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम अकेले रहें, हमें एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले जिसमें कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अगर ज़्यादा समय हम अकेले रहते हैं, पीसफुली रहते हैं, तो दोबारा हमें दूसरों से मिलने का भी मन नहीं करता। तो यहाँ इस पोयम में इस फीलिंग को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जो हमारी ज़रूरत है, हमारी जो इंस्टिंक्ट है, वो सोशल होने की है, सबसे मिलने जुलने की है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? तो अकेलापन, एक पीसफुल एनवायरनमेंट। अब अगर पोएट की बात करें तो फिलिप आर्थर लार्किन एक इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट और लाइब्रेरियन थे। उनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1922 में और उनकी डेथ हुई थी 2 दिसंबर 1985 में। उन्हें क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री अवार्ड भी मिल चुका है। उनकी फेमस वर्क्स में द विट्सन वेडिंग्स, हाई विंडोज़, द नॉर्थ शिप, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। Beyond all this, the wish to be alone, यानी इन सब चीज़ों के बावजूद एक विश है, एक इच्छा है, और वो ये कि मैं अलोन रहूँ, मेरे साथ कोई ना रहे, मुझे अकेलापन मिले। However, the sky grows dark with invitation cards. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे इतने इनविटेशन कार्ड्स मिल रहे हैं कि उन्होंने पूरे आसमान को ढक दिया है, अंधेरा कर दिया है। यानी भले ही मेरा मन है अकेले रहने का, लेकिन लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मैं सोशल बनूं, उनसे मिलूं, और इसके लिए वो मुझे इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं। हाउएवर, वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शंस ऑफ सेक्स। और इसके साथ ही हमें क्या करना पड़ता है? तो जो हमारी फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स होती हैं, हम किसी के साथ इंटीमेट होते हैं, हमेशा से ये जो रूल चला आ रहा है वो भी हमें करना पड़ता है। और इसमें क्या होगा? 2 लोग ज़रूर शामिल होंगे, तो यहाँ भी मुझे अकेलापन नहीं मिल रहा है। हाउएवर, द फैमिली इज़ फोटोग्राफ्ड अंडर द फ्लैग स्टाफ। और चाहे मैं अकेला क्यों ना रहना चाहूँ, मगर मेरी एक ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाऊँ, और वो भी कहाँ? तो किसी घूमने वाली जगह पर, किसी फ्लैग के नीचे, जहाँ फ्लैग लहरा रहा है, उसके नीचे खड़ी होकर पूरे परिवार के साथ मैं एक फ़ोटो खिंचवाऊँ। तो मैं चाहता हूँ अकेला रहना, मगर ये सारी चीज़ें जो है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है, एक इंस्टिंक्ट है, मुझे ये करना होगा, मैं अकेला नहीं रह सकता। Beyond all this, the wish to be alone. और इतना होने के बावजूद क्या है? एक विश है, एक इच्छा है कि मैं अकेले रहूँ, अलोन रहूँ, यानी बिल्कुल अकेले रहूँ। Beneath it all, the desire for oblivion runs. इन सभी चीज़ों के नीचे एक डिज़ायर है, एक चाहत है। किसकी? तो ऑब्लिवियन की, यानी सब कुछ भूल जाने की। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी सारी जो मेरी इंस्टिंक्ट्स हैं, उन सभी को भूल जाऊँ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशंस ऑफ द कैलेंडर, किसके बावजूद मैं ये सब कुछ भूलना चाहता हूँ? तो जो कैलेंडर है उस पर जितनी भी मेरी टेंशन्स हैं, यानी अक्सर हम कैलेंडर पर नोट बनाते हैं कि हमें कौन सी तारीख को कौन सा काम करना है, तो मेरी कैलेंडर पर भी ये सारी तारीखें हैं जो बहुत ही आर्टफुल हैं, देखने में सजावट सी लगती हैं, लेकिन मेरे लिए टेंशन है। और मैं इन सब कुछ को भूलना चाहता हूँ, तभी तो मैं अकेला रह पाऊँगा। The life insurance, the tabled fertility rights,
साथ ही मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस को भूलना चाहता हूँ, मैंने क्या कुछ करवा के रखा है पैसों के लिए, और जो फर्टिलिटी के लिए राइट्स होती हैं यानी जो आगे मेरे बच्चे हों उसके लिए मुझे क्या कुछ करना है, क्या सोसाइटी कहती है, क्या मैंने सोच कर रखा है, उन सबको भी मैं भूलना चाहता हूँ। और साथ ही द कॉस्टली एवर्जन ऑफ द आइज अवे फ्रॉम डेथ, और साथ ही क्या करना होता है तो मौत ना आए उसके लिए हमें कॉस्टली एवर्जन करवाना होता है, यानी पैसे खर्च करने पड़ते हैं ताकि मौत की नज़र हम पे ना पड़े। तो इसके लिए भी समय चाहिए, लोगों से मिलना होगा, डॉक्टर से मिलना होगा, अपनी जांच करवानी होगी, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मैं इन सबको भूलना चाहता हूँ। बीनीथ इट ऑल द डिज़ायर फॉर ओब्लिवियन रन्स, इन सभी के नीचे क्या है, एक डिज़ायर, एक इच्छा है कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ। इतनी जिम्मेदारियाँ होने के बावजूद, इतने लोगों से मिलने की ज़रूरत होने के बावजूद मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोयम ख़त्म होती है। पोयम में बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरह जो ह्यूमंस हैं उन्हें अकेलापन, उन्हें सेक्लूजन बहुत ज़रूरी है, वो उसे पाना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी लाइफ है वो उन्हें सोशल होने के लिए फोर्स करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी फिलिप लार्किन की पोयम वॉन्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।